मेरी गल सुन ओए ध्रुव गल सुन ना मेरी गल सुन मेरी गल सुन मेरी गल सुन ओए तेरी गल सुन। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो कैसे आप सब लोग, आई होप समझते होंगे बढ़िया होंगे। सो फाइनली गाइस आ रखे हैं अपने ब्लॉग के साथ। तो ऑलमोस्ट आप लोग यार थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ब्लॉग किस टॉपिक पे ठीक है आज का। तो जैसे कि आप लोगों ने पीछे देखा इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी स्टोरी वगैरह की, मेरी और ध्रुव की यार एक फाइट हुई है फेस टू फेस पे। फाइट तो मैंने कोई फाइट वगैरह करनी नहीं थी, ज़्यादा कुछ रीज़न था नहीं। तो यार बड़े लोग वैसे मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर रहे हैं कि फाइट क्या, फाइट हुई नहीं, वैसे मैं फाइट करना चाहता नहीं था ठीक है। बोली उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है यार। तो किसी का हम क्या बोल सकते हैं ठीक है ना। तो उसी ने यार अचानक से रास्ते में मेरे को मिला, तो उसने मेरे को ज़्यादा जो ब्रिज है ना वहाँ पर मेरे को मिला। वो मैं बाइक रोक के वहाँ पर वीडियो वगैरह बनाने लगा, तो उसने मेरे आगे कट मार के निकाली बाइक स्कूटी अपनी कट मार के निकाली। तो पीछे देख रहे ऐसे बोल के पीछे देख रहे जैसे कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया भाई, तू जा रहा अपने रास्ते जा, तू मेरे आगे कट क्यों मार रहा है ठीक है ना। तो उसके बाद फिर मैंने उसके पीछे अपनी बाइक लगाई ठीक है, बाइक लगाई तो मैंने फ़ोन में उसको पकड़ा, फ़ोन में उसको पकड़ा भाई। मैंने सिर्फ उससे फेस टू फेस बात करनी थी, वो बंदा आगे से भाई ऐसे धक्के मुक्की भी आ गया ठीक है ना। तो हमें तो वैसे लड़ाई करनी नहीं है ठीक है ना। तो ग्रुप को वैसे कुछ खास बोलूँगा नहीं, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये भी अपनी दोस्ती था ठीक है ना। तो अब भी यार पता नहीं किसकी बात सुन रहा है, तो चलो कोई नहीं, जिसकी सुन रहा हो हमें क्या लेना देना जो भी हो। तो वैसे यार बाकी आप लोग यार क्लिप देखना कि क्लिप में क्या सीन हुआ ठीक है, ज़्यादा उसको कुछ बोलेंगे नहीं हम लोग यार ठीक है। क्योंकि तो अगर कुछ बोला तो ऐसे मैं तो लड़ाई लगाना चाहता ही नहीं था। इससे जो पहली ब्लॉग है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ब्लॉग में बोला था कि भाई अगर तेरे को मेरे से बात करनी है तो मेरे को मैसेज कर देना ठीक है ना। तो भाई किसी का मैसेज नहीं आया ना किसी की कॉल आई मेरे को। तो उसके बाद ये अभी 2-3 दिन नहीं हुआ, तो हाँ जो मेरे को मिला तो इसने सीधे आके भाई लड़ाई कर रहा है भाई। ये कौन बात होती है यार, अगर तेरे को लड़ाई करनी है तो बताना भाई, मिल के आना उधर से, तू भी अपने बंदे ले आ, जैसे मैं ले आता हूँ फिर ठीक है ना। सही तरीके से लड़ाई करनी है तो उसको तो वैसे यार हम लोग यार लड़ाई लड़ना चाहते नहीं है ठीक है। सीधी बात बता रहा हूँ यार, तेरे को बता रहा हूँ लड़ाई लड़ना नहीं चाहता ठीक है। मैं अगर भाई तेरे को लड़ाई करनी है ना तो भाई फेस टू फेस सीधे आके बात कर भाई, लड़ाई नहीं लगाते हम ठीक है। फेस टू फेस बात हो सकती है अपनी ठीक है। तो मैं अभी भी इसको बोल रहा था कि भाई अगर तेरे को मेरे साथ अगर भाई फिर से मिलके जैसे हम पहले थे 3 का 3 का ग्रुप था वैसे अगर फिर से करना है तो भाई कर सकता है। मेरे को कोई लड़ाई लगाने का शौक नहीं है ठीक है तेरे साथ, ना मैंने लड़ाई लगानी है ना कुछ। अगर तेरे को भाई लड़ाई लगानी है तो जा भाई फोन किसी के साथ लगा, हमें लड़ाई लगाने का कोई शौक नहीं है ठीक है। तो गाइस बाकी आप लोग यार क्लिप देखो, क्लिप में देखो क्या सीन हुआ है। तो फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे ठीक है। फोन करना तू कर यार।
मेरी गल सुन ओए ध्रुव मजाक बार आवे कम ज्यादा रहने रोक रोकना यार ओए ध्रुव ओए सोए तो सोए अरे हाथ ला उठी कट उठी कटना खाने चक्कर के तेरा इना सुना खाली ड्रामा कट के मारे लगे मी पता भाई तू कट मारिया मेरी गल सुन मेरी गल सुन मैं भी बाबू जानू की घट मारिया पता कि घट तू कल मारिया ठीक है कि किन्ने दिन साढ़े अपनी बहस चलाई ठीक है तू पता ना पता नहीं जानी पता दुकान कल पड़ा फिर अंदर पढ़ना बाहर नहीं मिलना बाहर मिलना फिर अंदर कल मिला अंदर कल बढ़िया वो सब दुकान अंदर कल बढ़िया मेरी गल सुन मेरा मोहल्ला तू आया तू खड़ोए गई नहीं मैं तुम आखिया मेन रोड़ा रहा तुम्हारे ਫੜੋਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਖੜੋਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਖਣ ਵੜੀ ਆਇਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਖਣ ਵੜੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਖਣ ਵੜੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜੋਤਾ ਤੂੰ ਫੜੋਤਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਆ ਬਾਈ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਲਾ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਲਾ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਦੱਲਾ ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने यार पूरी क्लिप देखी कि क्या सीन हुआ कैसे कैसे फाइट हुई है क्या क्या हुआ तो अभी तो जस्ट यार क्योंकि ये था कि हेलमेट के ऊपर हमारा कैमरा वगैरह नहीं लगा था वहाँ पे कैमरा लगा था ना तो फिर पूरा जैसे ये मेरे को मिला तो पूरा मैं रिकॉर्ड आपको बताता ठीक है तो जितनी इतनी क्लिप शूट हो पाई तो इतनी शूट की है यार क्योंकि यार वो जो सक्षम है तो उसने यार मेरा फ़ोन ले लिया था मेरे से वीडियो वगैरह बनाने नहीं देता ज़्यादा कि यार वीडियो भी बना रहा है तेरे को बात करनी है तो सीधे करना वीडियो भी बना रहा है तो भाई यार वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके जितनी ज़्यादा मैंने शूट किया तो इसलिए यार क्लिप ये क्लिप थी मेरे पास जो भी थी तो और भी वैसे इसमें भी ज़्यादा वैसे किया कि क्या बोल यार भी गाली वगैरह निकली है तो ऑलमोस्ट मैंने कट किया ठीक है तो बड़ी ज़्यादा गाली निकली जिसमें कट की है तो यार कैसा कैसा सीन हुआ है यार ठीक है ना तो अभी तो जस्ट यार ठीक है ना मैं तो यार लड़ाई ज़्यादा बढ़ाना चाहता नहीं था यार ठीक है ना अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं ज़्यादा लड़ाई बढ़ाना चाहता नहीं हूँ अगर भाई खत्म करनी है लड़ाई तो बता दे ठीक है ना खत्म कर देते हैं लड़ाई कोई लड़ाई लगाने का शौक नहीं मेरे को भी ठीक है ना ना तेरे को होगा ना मेरे को है ठीक है सीधी बात बता रहा हूँ यार तो लड़ाई लगाने का शौक नहीं है तो अभी देखते हैं यार कि क्या अभी रहता आगे कि मिलता है या नहीं मिलता है ये ठीक है ना तो मैं तो बोल रहा हूँ कि खत्म करते हैं ठीक है भाई
लड़ाई करके खत्म करनी है तो भाई फिर देख लो भाई अपने तरीके से जैसे करना है, ठीक है ना। तू बोल जैसे तू बोलोगे वैसे करने का, ठीक है। खत्म ही करनी है बात, जैसे करनी होगी बता देना मेरे को, ठीक है। वैसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ यार वीडियो एंड करता हूँ यार, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको ऐसी मस्ती ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, सोच मत कुछ खत्म करो, ठीक है। और साथ में गाइस यार कोई भी यार कमेंट वगैरह कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं लिखना, ठीक है, वीडियो में यार, ठीक है। जो भी सीन हुआ तो यार आपस की लड़ाई है हमारी, किसी को हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय।